हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो कोशिका की के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका जो दो प्रकार जो थे, दो प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्योंकि प्रो प्रिमिटिव और कैरियन केंद्रक, जिनमें क्या पाया जाता है कि आद्य प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। आद्य का मतलब मैं समझा चुका था कि जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो यू का मतलब होता है वेल। यू का मतलब क्या होता है, अच्छा, एडवांस, अच्छा बोल सकते हैं। कैरियन का मतलब केंद्रक, अर्थात जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, एडवांस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है, ऐसी कोशिका को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और अच्छे से क्या मतलब है कि जो अपन ने कल पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली क्या होगी यहाँ पर उपस्थित। दूसरी बात करते हैं, जैसे केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। तीसरी बात करते हैं तो स्टोन केंद्रक डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ऐसे केंद्रक को क्या कहा जाता है, एडवांस केंद्रक या यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्लियर। अब अपन यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो प्राणी जो है वो अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसके बाद में प्लांट है और एनिमल है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार की कोशिका बांट देते हैं, एक जिनमें जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जिसे प्लांट्स कोशिका कहा जाता है, एक जो प्राणियों के अंदर पाई जाती है जिसे एनिमल सेल। तो यहाँ पर कोशिका कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी। एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। तो कुछ लक्षणों के आधार पर इनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका जो है वो क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, और यूके जंतु कोशिका जो है वो एक ओवल शेप, जिसकी बात करते हैं संरचना की यहाँ पर। तो जंतु कोशिका में जो संरचना होती है वो कैसी होती है, लगभग ओवल शेप इस तरीके की क्या पाई जाती है, जंतु कोशिका की संरचना पाई जाती है। और जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण जो होगा वो किसका पाया जाएगा, यहाँ पर कोशिका झिल्ली का। तो ये जो आवरण है ये क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाएगा। तो सबसे बाहरी आवरण जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली का पाया जाता है, जो किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन वसा और प्रोटीन की बनी होती है ये। उसके बाद में जो जंतु कोशिका जो होती है वो जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है, लगभग मध्य में पाया जाता है। तो केंद्रक जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, लगभग मध्य में पाया जाता है।
केंद्रक जो है वो कैसा होगा, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है एक तरह का। तो यहाँ पर ये जो संरचना है इस तरीके की, ये किसकी संरचना है, केंद्रक की। तो केंद्रक जो है वो कैसा पाया जाएगा, यहाँ पर दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग होता है और कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ये, या महत्वपूर्ण कोशिकांग भी बोल सकते हैं इसको, जिसके द्वारा संपूर्ण कोशिका का क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाता है। इस तरीके से ये जो है ये क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली। तो ये भाग जो है, ये पूरा भाग, ये क्या कहलाएगा, केंद्रक झिल्ली। और ये केंद्रक झिल्ली भी किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, वही प्लाज्मा झिल्ली की तरह। केंद्रक के अंदर जितना भी जो भाग है वो लिक्विड है जो, तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियो प्लाज्म कहलाता है। तो ये भाग क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियो प्लाज्म, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्म के अंदर क्या पाई जाती है, एक गहरी संरचना पाई जाती है, और इस गहरी संरचना को क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। तो अपन जितने भी लिख रहे हैं उन सब के बारे में अलग पढ़ेंगे आगे, अभी अपन बात कर रहे हैं केवल कोशिका के से रिलेटेड। तो यहाँ पर जंतु दो प्रकार की कोशिका में बांटा, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका में जो बात कर रहे हैं अपन, तो एक गहरी संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इस केंद्रक द्रव्य में कुछ धागेनुमा क्या पाए जाते हैं, संरचना पाई जाती है। इन धागेनुमा भाग जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिन पदार्थ। तो या गुणसूत्र जो है ये, तो एक धागेनुमा संरचना में होते हैं। जैसे जैसे जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे अपन, सेल डिवीजन की बात करेंगे, तो लगभग मेटाफेज जो होती है सेल डिवीजन की, तो मेटाफेज में गुणसूत्रों का संघनन होता रहता है और संघनन अधिकतम होता है। उस कंडीशन में हमको ये गुणसूत्र के रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये धागेनुमा संरचना है, तो ये सभी धागेनुमा संरचना जो है, अनुवंशिक पदार्थ जो है, उसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन पदार्थ कह देते हैं। तो ये सारी संरचना तो किस में होती है, केंद्रक में। और ये पूरी जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। और इसी आधार पर अपन ने किसको बांटा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को दो प्रकारों में बांट दिया जा, अर्थात कोशिका को दो भागों में बांट दिया था, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थात जिनमें प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें एडवांस केंद्रक पाया जाता है, जिसे क्या, एडवांस का मतलब समझ में आ गई। उसके अलावा आप देखो, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में ये जो पूरा पदार्थ पाया जाता है, ये सब पदार्थ जो है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, ये कोशिका द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। कोशिका के लिए जो वर्ड आता है वो आता है साइटो। क्या आता है, साइटो। तो साइटो वर्ड जो है किसके लिए आएगा, कोशिका लिए, साइटोप्लाज्म है। तो ये भाग जो है ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव कहाँ है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर, कोशिका द्रव जो है उसमें कोशिका से रिलेटेड जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कोशिका के कार्य में मदद करते हैं, उन सभी कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक नलिका रूपी संरचना जो केंद्रक झिल्ली से क्या रहती है, संलग्न रहती है इस तरीके से, इस तरीके से क्या होती है,
इस तरीके से ये किससे जुड़ी रहती है, कोशिका झिल्ली से भी जुड़ी रहती है। तो ये जो संरचना है, ये संरचना को क्या कहा जाता है, अंतःप्रद्रव जालिका। क्या कहा जाता है, अंतःप्रद्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोल देते हैं ER। अब अंतःप्रद्रव जालिका जो है, ये अंतःप्रद्रव जालिका भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। कुछ अंतःप्रद्रव जालिका जो है उन पर छोटी छोटी कणनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। और ऐसी अंतःप्रद्रव जालिका जिस पर राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो उसे चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका कहा जाता है। तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी, राइबोसोम, राइबोसोम। और ये राइबोसोम भी कौन से प्रकार के, 80S प्रकार के राइबोसोम जो है अंतःप्रद्रव जालिका से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसी अंतःप्रद्रव जालिका जिस पर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ये जो है ये तो अंतःप्रद्रव जालिका, तो ऐसी अंतःप्रद्रव जालिका को क्या कहा जाता है, खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका, अंतःप्रद्रव जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिस पर राइबोसोम जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो सपोज करो इस पर राइबोसोम लगे हुए नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। ये क्या कहलाएगी, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। उसके अलावा यहाँ पर जो है और संरचना जो केंद्रक के पास में और पाई जाती है, तो नलिका रूपी संरचना इस तरीके से ये केंद्रक के थोड़ी नज़दीक पाई जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, गोल्जी काय। क्या कहा जाएगा, ये गोल्जी काय। उसके अलावा यहाँ पर एक गोलाकार संरचना जो पाई जाती है, जो इकहरी झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, तो इस तरीके से इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पाचन का कार्य करेंगे, तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जो जंतु कोशिका जो है, उस जंतु कोशिका में एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग पाया जाता है। तो बाहरी झिल्ली सपाट होती है, अंदर की झिल्ली में उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। तो इन उंगली नुमा उभार युक्त संरचना जो है, इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुवचन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो है एक जो संरचना दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, जो किससे, बाहरी झिल्ली जो सपाट होती है, आंतरिक झिल्ली जो है वो क्या होती है, आंतरिक झिल्ली में उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी नलिकाओं से घिरा हुआ एक कोशिकांग होता है, एक दो, ये लगभग 9 नलिकाएं, भारी नलिकाएं होती हैं, और दो नलिकाएं जो हैं इस तरीके से ये अलग अलग कोण पर जुड़ी पाई जाती हैं। तो ये जो संरचना है इसे क्या कहा जाता है, तारक काय। और ये तारक काय ओनली जंतु कोशिका में पाई जाएगी, पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाई जाती है। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पर जो कोशिकांग जो है, तो बिखरी हुई अवस्था में यहाँ पर 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। और यहाँ पर जो है और भी जैसे छोटे छोटे नलिका रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो माइक्रोफिलामेंट, दो प्रकार की संरचनाएं पाई जा सकती है, जो साइटोस्केलेटन के रूप में जाना जाता है, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स
और एक माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल्स दो होंगे, वो तो क्या होते हैं, खोखली नलिकाओं के बनी रहती है, ऐसी जिस प्रोटीन के द्वारा वो बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। तो ये तंतु दो प्रकार के हो सकते हैं, ये साइटोस्केलेटन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये है कोशिकीय कंकाल, कोशिकीय कंकाल, और ये जो है ये दो प्रकार की नलिकाओं से बना होता है, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट जो हैं ये तो क्या होंगे यहाँ पर ठोस संरचना के रूप में पाए जाएंगे। किसके रूप में पाए जाएंगे, ठोस संरचना के रूप में, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं एक खोखली संरचना, खोखली नलिकाओं का बना रहता है, जो कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा बने रहते हैं। तो ये जंतु कोशिका की क्या है, लगभग लगभग संरचना है। तो जंतु कोशिका जो है इसमें के बीच में लगभग लगभग मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, कोशिका जो है कोशिका झिल्ली द्वारा, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो संरचना पाई जाती है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और कोशिका द्रव में कोशिका से रिलेटेड सभी कोशिकांग जो हैं वो पाए जाते हैं उसके। तो ये थी कौन सी कोशिका अपनी, ये है यूकेरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका का ये डायग्राम है, तो इसमें ये लगभग लगभग कौन सी शेप होती है, ओवल शेप होती है, और इसमें केंद्रक जो है लगभग मध्य में पाया जाता है। जबकि पादप कोशिका जब अपन पढ़ेंगे तो पादप कोशिका में रिक्तिका जो है बड़ी होने के कारण केंद्रक परिधि की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, जो पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है नलिकाओं रूपी संरचना से बना हुआ क्या पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब नेक्स्ट जो क्लास जो है अपनी उसमें पढ़ेंगे अपन पादप कोशिका के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, पादप कोशिका के।